हेलो एवरीवन, साइंस क्लब में आप सबका स्वागत है। आज अपन लोग फाउंडेशन क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट। जिसमें आज अपन लोग देखेंगे ग्रुप और पीरियड कैसे निकालते हैं। तो यहाँ जो आज अपन लोग ग्रुप और पीरियड निकालेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाएगा, रोमन में। क्यों? क्योंकि न्यूमरिक में सबको पता है 1 to 7 तक पीरियड होता है और 1 to 18 ग्रुप होता है, राइट। तो आज अपन जो निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूमरिक का निकालेंगे। तो चलिए उसको निकालने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन लोग, ग्रुप। देखिए ग्रुप का अपने को आइडिया कौन देगा, वैलेंस सेल देगा, राइट। अपने को कोर सेल से कोई मतलब नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। वैलेंस सेल और कोर सेल में जिसको ही प्रॉब्लम होती है वो लास्ट लेक्चर जाके फाउंडेशन का देखें, वहां से आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल अपने को किसके बारे में आइडिया देता है, वैलेंस सेल अपने बारे में किसको आइडिया, किसके किसके बारे में आइडिया देता है, सेल एंड सब सेल, सब सेल, राइट। और किसके बारे में आइडिया देता है कि सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सब सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, राइट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी से अपन लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या, ग्रुप और पीरियड का। तो चलिए देखते हैं, ग्रुप में अपन क्या देख रहे हैं अभी, रोमन में। तो रोमन में ग्रुप कितना होता है आपका, 1 to 8 होता है, 1 से लेके 8 तक होता है, राइट। तो ये अपन लिख लिए रोमन में। अब चीजों को समझिएगा, ये आपको दो तरह से दिखने के लिए मिलेगा, राइट। एक तो आपको क्या मिलेगा, एसपी और डीएफ। आप चीजों को समझिएगा, अब अपन यहां क्या कर रहे हैं, सब सेल, राइट। और इधर भी देख रहे हैं क्या, सब सेल। याद रखिएगा, सबसेल में जो है, यहां पे सबसेल जो है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा हूं मैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में हो, या एस या पी में हो, राइट। अगर एस या पी में रहा तो अपन क्या लिखेंगे, बी, क्या लिखेंगे, बी, राइट। और अगर यहां पे आपका क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में रहा आपका, डी या एफ में रहा, राइट, डी या एफ में रहेगा, तब अपन लोग क्या लिखेंगे, बी, तब अपन लोग क्या लिखेंगे, बी, राइट। सॉरी, यहां पे क्या लिखेंगे, ए, एस पी के लिए ए, और डी और एफ के लिए क्या लिखेंगे, बी। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और एक बात क्या, यहां पे क्या है, अब क्या है, चीजों को समझ, मैंने क्या बोला है, रोमन में होगा, तो रोमन में क्या होगा, जाहिर सी बात है, 1 से लेकर 8 तक, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, उसके पीछे लिखेंगे ए या बी, कब, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपना रहेगा किस में, एस या पी में, राइट। अब सबसेल यहां क्या देखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या डी या एफ में रहा, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, बी, इसके पीछे, ये रोमन के पीछे, लेकिन यहां पे क्या रहेगा, 1 to 7 तक ही रहेगा, कितना रहेगा, 1 to 7 तक ही रहेगा, राइट, क्योंकि 8 में बी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, अपन जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, राइट। 8 में ए बी कुछ नहीं होता, मतलब बी नहीं होता है। तो 8 जब भी आएगा तो इसके पीछे अपन लोग बी नहीं लिखेंगे, राइट। और ये 8 कब ऑब्जर्व होगा, किसके लिए ऑब्जर्व होगा, जब आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या क्या होगा आपका, 8, 9 और 10, इस चीज को समझिए, 8, 9, 10, राइट। और एक बात याद रखिएगा आप लोग, डी ब्लॉक में क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन 10 से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, ये तो हमने लिखा दिया, ठीक है। अगर 8 से लेस देन रहा तो इससे पता चल जाएगा, अगर 8, 9, 10 रहा तो 8 एग्जांपल करके बताऊंगा, और अगर आपका 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहा तो जितना 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को अपन लोग क्या बोल देंगे, ग्रुप, उसी को क्या बोल देंगे, ग्रुप। इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इधर लिखता हूं मैं, यहां पे किसके लिए लिख रहा हूं मैं, डी के लिए, क्या, डी में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहा, मोर देन 10, अगर 10 से ज्यादा होता है तो उस केसेस में अपन लोग क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे
एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर आपका 11 और 12 आ जाता है तो राइट 11 और 12 हो जाता है, तो जितना ज्यादा होगा उसी को अपन लोग क्या बोल देंगे, ग्रुप। तो इसमें क्या बोलेंगे, 10 से ज्यादा कितना है, एक, तो क्या हो गया, एक ज्यादा है इसमें तो क्या लिखेंगे, वन, राइट। और वन ये डी ब्लॉक से इन करता है, इसलिए अपन लोग क्या बोलेंगे, बी, फर्स्ट बी, अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट बी। इसी तरह क्या होगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 से ज्यादा हो जाता है, क्या 12 हो जाता है, तो कितना ज्यादा हो रहा है, दो, क्योंकि मैक्सिमम 10 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, उससे ज्यादा रख नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू, टू ज्यादा हो जा रहा है, क्या लिख देंगे अपन, टू बी। चलिए अब एग्जाम्पल करके देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल से चीजें क्लियर नहीं होती है, राइट। तो चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल, अगर अपन लोग सोडियम लेते हैं Na11, राइट, अगर सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 1, और सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव तो क्या हो जाएगा आपका, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब चीजों को समझिए, यहां से यहां तक क्या है आपका, कोर सेल, तो अपने को कोर सेल से कोई मतलब नहीं है, अपने को मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल से और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको साफ साफ कितना नजर आ रहा है, सोडियम कितना है आपका, 11, राइट, तो 11, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका ग्रुप क्या होगा सोडियम का, आप लिखोगे 1, राइट। अब बारी आती है ए लिखूं या बी लिखूं, तो मैंने क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, एस में, और मैंने क्या बोला था, एस या पी आता है तो अपन लोग क्या लिखेंगे, ए, क्या लिखेंगे, ए, तो क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ए, राइट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एल्युमिनियम 13, क्या होगा, 1s2, 2s2, फिर क्या होगा, 2p6, 3s2 और 3p1। अब चीजों को समझिए, यहां पे क्या हो जा रहा है आपका, देखिए, और इसका ये तो सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचा, अगर सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते तो क्या होता, 2, 8 और 3। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और यहां पे क्या आ रहा है, ये देखिए ये आपका वैलेंस सेल है, क्यों, आप देखिए यहां पे दोनों का बेस क्या है, सेम है, बेस सेम होगा तो पावर एड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। आप क्या देख रहे हो, 3 कॉमन ले लेते हैं, एस या पी रहा, अब यहां क्या है, दोनों का बेस सेम है 3, 3, तो पावर क्या होगा, एड हो जाएगा, 2+1 मतलब क्या जाएगा, 3। तो यहां से भी 3 आ रहा है और भाई साहब यहां से भी 3 आ रहा है, राइट। अब कोई पूछता है एल्युमिनियम का ग्रुप क्या होगा, तो अपन लोग डायरेक्टली बोल देंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, यहां से भी और यहां से भी, तो क्या लिखेंगे, 3। अब ए होगा या बी, लास्ट में देखिए इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में जा रहा है, राइट, तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं, एस या पी में रहा तो क्या लिखेंगे, ए, तो क्या आ जाएगा, 3 ए, राइट। एक एग्जांपल और करके देखते हैं, जैसे हो गया आपका क्लोरीन 17, राइट, सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सेल के प्रोस्पेक्टिव तो क्या जाएगा, 2, 8, 7, सब सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाएगा, राइट, क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। फिर से यहां पे देखिए वैलेंस सेल में क्या आया, 3s2, 3p5, तो अगर दोनों का क्या करोगे, फिर से आप वही काम करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 3 कॉमन ले लिए, S और P हुआ, तो आप क्या देख रहे हो, बेस सेम है तो पावर एड हो जाएगा, 5+2 कितना हो गया, 7। तो आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे भी 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से भी 7 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो अगर कोई पूछता है कि क्लोरीन का ग्रुप कितना होगा, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे क्या है, क्लोरीन का ग्रुप क्या होगा, 7, राइट। अब 7 ए होगा या बी, फिर से देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, पी में, तो अपन लोग क्या लिखेंगे, 7 ए, राइट। चलिए हो गया, कॉपी कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमने एसपी का एग्जांपल देख लिया, अब डीएफ का देखते हैं, राइट, डीएफ का देखते हैं। जैसे आपका क्या है, स्कैंडियम क्या होता है, 21, सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं तो क्या होगा, 2, 8, 8, 3, राइट, और सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, राइट। अब देखिए यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक आपका कोर इलेक्ट्रॉन है, तो कोर इलेक्ट्रॉन से अपने को मतलब नहीं है, मतलब किससे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है, मतलब किससे है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, 3,
राइट। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप क्या होगा, तो आप सीधा बोल दोगे क्या होगा, थर्ड। अब ए होगा या बी, तो यहां से देख लेंगे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया आपका, डी में। तो क्या लिखेंगे, मैंने क्या लिखा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में जाता है तो 1, 2, 7 तक क्या लिखेंगे, बी। क्या लिखेंगे, बी। तो क्या हो गया, थर्ड बी, राइट। अब एक एग्जांपल इसका लेते हैं, किसका, ये 8, 9, 10 वाला कुछ भी ले लो, जैसे आयरन ले लेते हैं, एफ ई। एफ ई क्या होता है आपका, 29। अगर सेल के सॉरी एफ ई क्या होता है, 26, राइट। अब इसका सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं तो क्या होगा, 2, 8, 8, और लास्ट में कितना बच गया आपका, क्या हो जाएगा आपका, 9, राइट। क्या हो जाएगा आपका, 9। अब चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, सॉरी 9 नहीं 8 होगा, यहां पे काउंट करके देख लीजिए, 8, 8, 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 26, राइट। चलिए ये 26 हो गया। अब सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव तो क्या होगा आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या होगा आपका, 4s2, और लास्टली क्या जाएगा, 3d6। आप यहां पे देखो, अपने को सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, किससे, इससे। यहां पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 6 + 2 कितना है, 8, और यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8, राइट। तो 8 है, तो हमने से कोई पूछेगा कि इसका ग्रुप क्या होगा, तो अपन क्या बोलेंगे, 8 8। और मैंने क्या बोला है, 8 के लिए ना तो ए लिखेंगे ना बी लिखेंगे, और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब 8, 9, 10 आ जाता है, राइट, 8, 9, 10। तो इसके पीछे ना ए होगा ना बी होगा, राइट। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, क्या होता है, कोबाल्ट CO, इसका क्या होता है, 27, राइट। अगर इसका सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सेल के प्रोस्पेक्टिव, तो क्या होगा आपका, 2, 8, 8, फिर क्या आ जाएगा आपका, 2, 8, 8, 7, राइट। ये देख लो, 18 + 7 कितना हो गया, 25 हो गया, राइट। 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 9 होगा, 9। अब हो गया 27। अब सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आ जाएगा, 4s2 और 3d 4s2 हो गया, 3d क्या आ जाएगा आपका, 7। तो आप इस चीज को देखो, यहां पे देखिए, आपको सिर्फ वैलेंस सेल से मतलब है, वैलेंस सेल से। ये क्या हो गया आपका, 9 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 9, 10 आ जाता है, तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 8। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 8। इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, 8। उसके लिए ना तो ए लिखेंगे ना ही बी लिखेंगे, राइट, हो गया। चलिए आगे मूव करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब एक एग्जांपल इससे भी करते हैं, राइट, इससे भी करते हैं, इस वाले से। ये कर लिया हमने, ये कर लिया, इस वाले से देखते हैं। कॉपर CU क्या होता है आपका, 29, राइट। आप इसको कैसे लिख सकते हो, अगर सेल के प्रोस्पेक्टिव सोचते हैं, सेल के प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, 2, 8, राइट, 8, और फिर कितना हो गया, 8, 8 हो गया, राइट, 2, 8, 8, और यहां लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, 11, राइट। तब काउंट कर लो, देखो 29 इलेक्ट्रॉन होगा, राइट, 11 और 8, राइट, 19, 19, 8 कितना हो, 27, 27, और ये आपका 2 कितना हो गया, 29। अब सबसेल के प्रोस्पेक्टिव सोच लेते हैं, सबसेल के प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, राइट, लास्ट में क्या होगा, 4s2 और 3d9। अब देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हमने आपको बता रखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना, आप चाहे तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो यहां पे क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाता है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट फिलेड नहीं है, और ये तो फुल फिलेड है, ये स्टेबल है, बट ये स्टेबल नहीं है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा,
ये हाफ फिलेड हो जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा और ये भी फुल फिलेड हो जाएगा। तो ये मसला नहीं है अभी अपना, ये मसला नहीं है अपना, राइट। फिर भी मैं ये लिख देता हूं। अब चीजों को आप समझिए, ठीक है। ऐसे भी 10 प्लस 1 11 ही हो रहा है, 9 प्लस 2 11 ही हो रहा है। आप यहां पे देखो डायरेक्टली, यहां सेल पे देख लो कितना है, कितना है यहां पे 11 है। तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे यहां से, क्या ये तो हमने डी और एस इसलिए लिखता है कि यहां से अपने को पता चल जाए कि ये डी में इन कर रहा है या पी में या एफ में, राइट। तो यहां कितना हुआ 11। तो मैंने क्या बोला है, अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉपर का ग्रुप क्या होगा, तो मैंने क्या बोला है, अगर 11 है, राइट, 11 या 12 हो, तो उस केसेस में मैंने क्या बोला, 10 से जितना ज्यादा है, क्योंकि 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकता वो, तो 10 से ज्यादा जितना है उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, उसी को ग्रुप बोल देंगे। तो 10 से ज्यादा कितना है 1, तो इसको क्या बोलेंगे, कॉपर का 1, राइट। और मैंने क्या बोला है कि 1 to 7 के बीच में अगर आता है तो अपन क्या लिखेंगे, बी, कब, जब डी और एफ में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है, मतलब। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 1B, राइट, 1B। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, जीन का भी कर सकते हो, ZN क्या होता है 30, इसका भी आप निकालोगे सेल के प्रोस्पेक्टिव, सेल के प्रोस्पेक्टिव, तो क्या हो जाएगा आपका 2, 8, 8, और लास्ट में क्या हो जाएगा 12, लास्ट में क्या हो जाएगा 12। इसी तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो लास्ट में सब सेल के प्रोस्पेक्टिव क्या हो जाएगा, सब सेल के प्रोस्पेक्टिव। अब मैं यहां से यहां तक नहीं लिख रहा हूं, राइट, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो है आपका यहां से यहां तक नहीं लिख रहा हूं, इसका मैं क्या लिख दे रहा हूं, AR, क्योंकि आपको भी पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूं AR, ये क्या हो गया आपका 18, यहां तक कवर हो गया, राइट। अब कितना बचा, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे, कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आपके बच गए 12, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं 4s2, राइट, और 3d10। आप क्या देख रहे हो, यहां पे लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, d में, और यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 12, तो क्या हुआ 10 से ज्यादा हो रहा है। तो मैंने क्या बोला है, 10 से जितना ज्यादा होगा आप उसको उन ग्रुप बोल दोगे, कितना ज्यादा रहा है 10 से 2। तो आपसे कोई पूछता है कि ग्रुप क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सेकेंड, अब क्या होगा ए या बी, तो मैंने क्या बोल रखा है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो क्या बोलोगे बी, तो क्या हो गया सेकेंड बी, राइट, हो गया। चलिए अब एफ ब्लॉक का करके देख लेते हैं, एफ ब्लॉक, जैसे एग्जांपल मोस्ट कॉमन पॉपुलर एग्जांपल लेते हैं, यूरेनियम क्या होता है 92, इसको मैं लंबा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखूंगा, जिसको प्रॉब्लम होता है वो वहां से जाके देख ले, लास्ट लेक्चर में मैंने करवा रखा है, इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं 86 नहीं, मतलब रेडॉन लिखता हूं RN, इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है 86, राइट, तो इसका 86 तक कवर हो गया, राइट, 86 तक कवर हो गया। तब देखो 92 - 86, राइट, 92 - 86, तो कितना इलेक्ट्रॉन अपने पास बच रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बचा, वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन बचा, कितना बचा 6 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल में अपना इलेक्ट्रॉन कितना बचा 6, राइट, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। अब बारी आती है 6 इलेक्ट्रॉन तो बचा है, लेकिन अब अपने को दिमाग में क्या रखना है, 6 तो होगा, ये तो ग्रुप तो सीधी सी बात है भाई, ग्रुप तो अपने को पता है ये 6 ही होगा, क्या होगा 6 ही होगा, लेकिन ए होगा या बी होगा कैसे पता चलेगा, चलिए इसको देखते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो इस केसेस में मैंने क्या बोला था, 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने सबसेल हैं, कितने सबसेल हैं, चीजों को समझिए, कितने सबसेल बचे हुए हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसके लिए कौन कौन से कंपिटिटर हैं, 7s है, राइट, फिर क्या आपके 6d है और 5f है, राइट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, s में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट, d में 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहां पे क्या है आपका, यहां पे क्या है 3 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, राइट, तो कितना हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, राइट, टोटल कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, इस चीज को देख लेंगे। और देखिए इन दोनों में से जब इलेक्ट्रॉन जाने की बारी आएगी तो n प्लस l रूल फॉलो करेगा, n प्लस l रूल, यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन जैसे फीलिंग होगा, इसका क्या 5 + 3 = 8, इसका 6 + 2 = 8, अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन जाने की बात होगी, चलिए मैं प्रॉपर तरीके से कर देता हूं, सबसे 6 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, राइट, उसके बाद फिर क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहां लिख सकता था, राइट, बट मैंने इसमें दिया क्योंकि ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एस कंपैरिजन टू अगर यहां पर 4 लिखते हैं, राइट, 4 लिखते हैं, तो ये सब तो बात की बात है, उससे कोई मतलब नहीं है। इतना डिटेल में अगर आपको जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर देखिए। अभी मेरा मसला ग्रुप और
पीरियड से है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 6, राइट। और इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एफ में तो जा ही रहा है, तो एफ में जाने के लिए अपन लोग क्या लिखे हैं? एफ में जाने के लिए क्या लिखेंगे? बी। तो क्या हो जाएगा आपका? 6B। तो इसी तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, आप इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मदद से आप क्या करोगे? ग्रुप और पीरियड निकाल पाओगे। तो ये तो था ग्रुप, अब निकालते हैं पीरियड, राइट। पीरियड देखिए, पीरियड निकालना और आसान है, बिल्कुल आराम आराम से निकालेंगे, अच्छे से समझेंगे, राइट, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब अपन निकालेंगे पीरियड। तो पीरियड और भी आसान है, ये सिर्फ और सिर्फ अपना सबसेल के मदद से निकाल लेते हैं, राइट। सबसेल, सबसेल, राइट, सबसेल। और सबसेल में भी अपने को किसको देखना है? सिर्फ और सिर्फ एस ऑर्बिटल को देखना है। किसको? एस ऑर्बिटल को, मतलब एस सबसेल, एस सबसेल देखेंगे, राइट। एस सबसेल, एस सबसेल को एक बार हमने देख लिया, तो जो एस सबसेल लास्ट एफ सबसेल होगा वैलेंस सेल, क्या होगा? एस कहां पे? वैलेंस सेल का बात होगा हमेशा, वैलेंस सेल के एस ऑर्बिटल का बात होगा। जहां पर भी नंबर, यहां पे क्या होगा? यहां पे जो चीजें होगी आपका हमेशा एन एस होगा, राइट, एन एस होगा। एन एस टू रहता है पूरे में, राइट, फिर भी हमने क्या लिखा? एन एस। तो एन एस के साथ जो भाई साहब एन होगा, जो एन की वैल्यू होगी वही होगी पीरियड, राइट। और पीरियड अपन लोग कैसे लिखते हैं? फर्स्ट टू सेवेंथ, फर्स्ट टू सेवेंथ कैसे लिखते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, राइट, इस तरह से। चलिए एग्जाम्पल करके देखते हैं, बिना एग्जाम्पल की चीजें क्लियर नहीं हुई। चलिए इधर ही लिखते हैं, पहले अपन लिखते हैं Mg, राइट, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो 1s2, 2s2, 2p6, राइट। फिर क्या हो जाएगा आपका? 3s2। आप देखो यहां से यहां तक कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन है, और तो अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ वैलेंस सेल से। किससे मतलब है? वैलेंस सेल से। तो वैलेंस सेल में आप देखो, ये देखो भाई एस है, और एस के साथ क्या है? 3। तो एन क्या अपने को डिनोट करेगा? पीरियड। तो अगर कोई पूछता है कि एमजी का पीरियड क्या होगा, तो अपन लोग डायरेक्टली लिख देंगे क्या? 12। क्या लिख देंगे? 12, सॉरी 12 बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? थर्ड। तो क्या हो गया आपका? पीरियड थर्ड हो जाएगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए अपने पास है क्या? क्लोरीन, क्लोरीन 17, राइट। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, सॉरी 3p6 तक तो जाएगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन ही है, तो 3p क्या होगा? 5। अब चीजों को समझिए, अपने को क्या है? यहां से यहां तक तो कोई मतलब है ही नहीं, राइट। तो अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इससे। इसमें भी क्या है? इससे कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ इससे मतलब है। लास्ट लास्ट सेल के, मतलब वैलेंस सेल के सिर्फ और सिर्फ एस सबसेल से मतलब है। तो एस सबसेल किसके साथ है यहाँ पे? 3 के साथ। तो क्लोरीन का भी पीरियड अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आपका? 3, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आपका है क्या है? कॉपर, कॉपर 29, राइट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, राइट। तो AR मैं लिख लेता हूं डायरेक्ट, ये भाई 18 तक तो कवर हो गया, राइट। इसके बाद जो बचा क्या बचा? 4s2, राइट। नेक्स्ट फिर क्या होगा आपका? 3d 20, और ये कितना हो गया आपका? 9, सॉरी ये क्या हो गया आपका? 3d 9। अब चीजों को समझिए, अपने को क्या है? सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, इसमें भी क्या है? इससे मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ एस सबसेल वाली, वैलेंस सेल के एस सबसेल से मतलब है, राइट, वैलेंस सेल के एस सबसेल से। तो ये एस किसके साथ है? 4 के साथ। तो अगर पूछा जाता है कॉपर का पीरियड क्या होगा, आप लिखोगे 4th, राइट। क्या लिखोगे? 4th। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, जैसे एजी, एजी क्या होता है आपका? 47। क्या होता है आपका? 47। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो इतना लंबा तो निकालना नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे? 18 में आप क्या करते हो? 8 ऐड कर देते हो, 8 ऐड कर देते हो। तो 18 में अगर आप 8 ऐड कर देते हो तो कितना आ जाता है? आपको मैंने क्या बोला है कि नोबल गैस का अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है, जैसे हीलियम, नियन, आर्गन, ठीक है, ज़ेनन, रेडन, आपको
के आर एक्स जी आर एन। अगर आपको पता नहीं था तो क्या करना, इसका दो होता है, इसका क्या होता है आपका 10 होता है। मैंने क्या बोला था, 2 में 8 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 10, इसमें फिर 8 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 18, इसमें फिर आप 18 ऐड कर दो क्या आ जाएगा 36, राइट। तो इसी तरह से फिर आप 18 ऐड करोगे तो क्या होगा, आप क्या करोगे स्टेबल कॉन्फिगरेशन पकड़ लोगे, किसको इसको 36 हो गया। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, के आर लिख लिए, कितना हो गया आपका 36। तो यहां 36 तक क्या हो गया भाई साहब, ऑक्युपाई हो चुका है, 36 तक क्या हो गया है ऑक्युपाई हो चुका है, राइट। ये चीज हमेशा ध्यान में रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 36 तक आपका ऑक्युपाई हो गया है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे लास्ट में आपका क्या बचा, अब जो आगे बचेगा वो बचेगा 5s2, राइट। उसके बाद फिर सॉरी 5s2 और फिर हो जाएगा आपका 4d9, 5s2 4d9। तो आप यहां पे क्या देख रहे हो, वैलेंस सेल ये है, वैलेंस सेल से भी अपने को इससे मतलब नहीं है, मतलब किससे, सिर्फ एस वाले सबसेल से। तो एस सबसेल किसके साथ है, 5 के साथ। तो आप क्या लिखोगे इसका पीरियड, इसका पीरियड लिखोगे 5th, क्या लिखोगे 5th। अब एक एफ ब्लॉक का कर लेते हैं, अभी हमने निकाला था किसका, यूरेनियम का 92। तो मैंने क्या बोला था यहां पे, यूरेनियम का 92 क्या लिखा था आरएन, राइट, आरएन 86 हो गया था, यहां तक तो आपका 86 हो गया था, और बाकी जो बचा था हमने क्या लिखा था 7s2, राइट, फिर क्या लिखा था 6d1 और क्या लिखा था 5f3, ये लिखा था हमने। तो ये वैलेंस सेल हो गया, लेकिन वैलेंस सेल में भी अपने को सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, एस सब सेल से। तो आपको पूछता है कि यूरेनियम किस पीरियड से बिलोंग करता है, तो आप लिखोगे 7th, राइट। चलिए इस तरह से निकाल दोगे आप लोग, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप पिंग करोगे, मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूंगा। और मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी चीज रटना नहीं है, हर चीज कैलकुलेटेड बेसिस है, कोई एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है, आप अच्छे से पढ़ोगे चीजें क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, राइट। ये आपको कोई बुक कोई यूट्यूब कहीं नेट पे नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा क्रिएटिविटी है, राइट। आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ के देख लो, और ये 100% वर्किंग है, राइट, हर जगह ये अप्लीकेबल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव ए नाइस डे, बाय।